ट्रिगरिंग मेथड ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट, जैसे ही हम जानते हैं जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसको, वो कम्बिनेशन होता है कम्बिनेशनल सर्किट का और फ्लिप फ्लॉप का या फिर मेमोरी का, यानी यहाँ पे जो होती है हमारी मेमोरी होती है। कम्बिनेशन सर्किट जिसकी एक इनपुट हो और ये हमारी एक आउटपुट है, ये कनेक्टेड होगा जब मेमोरी के साथ यानी फ्लिप फ्लॉप के साथ, और वो कनेक्टेड होगा फिर से फीडबैक के साथ कम्बिनेशन सर्किट साथ, उसे हम सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। और सिक्वेंशियल सर्किट का एक पर्टिकुलर पार्ट को ट्रिगर करना पड़ता है जो कि है मेमोरी या फिर फ्लिप फ्लॉप। इस पार्ट को ट्रिगर करते हैं क्लॉक के थ्रू। क्लॉक क्या करती है, मेमोरी को ट्रिगर करने का काम करती है। जब भी यहाँ से इनपुट आएगी और यहाँ पे जब इनपुट जाएगी तो आउटपुट आएगी, तो मेमोरी क्या करती है, जो प्रीवियस डाटा होता है उसे स्टोर करती है फ्लिप फ्लॉप में, यानी फ्लिप फ्लॉप या लैच यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसे क्या करती है पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर करके रखती है। ये हमारी स्टेट होती है, यानी जब हम इनपुट को चेंज करेंगे तो हमारी आउटपुट चेंज होगी, लेकिन इससे पहले वाली जो बिट थी वो फ्लिप फ्लॉप पे स्टोर हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जिसे बोलते हैं स्विच, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने प्रीवियस डाटा को स्टोर कर लिया, उसे स्विचिंग बोला जाता है। क्लॉक हमारी कंट्रोल इनपुट होती है और हमें अपने फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक के थ्रू ट्रिगर करना पड़ता है ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आए, जिस वजह से क्लॉक का यूज किया जाता है सिक्वेंशियल सर्किट में। और इसको ट्रिगर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं। जो हमारी क्लॉक होती है वो कुछ इस तरह से जाती है, लो टू हाई, हाई टू लो, इस तरह से। ये जो ये कंट्रोल इनपुट होते हैं जो इनपुट को कंट्रोल करती है, ये होगी लो, ये होता है इसका लो पार्ट जिसको जीरो से डिनोट करते हैं, और अपर ये होता है वन जिसको वन से डिनोट करते हैं, ये होता है हाई, लो टू हाई, जीरो और वन, अगेन जीरो और वन, जीरो और वन। जो इसकी ड्यूटी साइकिल होती है वो 50% होती है जैसे कि हम जानते हैं, और इसको हम डिफरेंट टाइप से ट्रिगर कर सकते हैं। एक होती है लेवल ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग जो कि क्लॉक के इस पार्ट पे होती है, लेवल पे, यानी कि सिर्फ इतने पार्ट पे यहां से यहां तक हम क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं अपने फ्लिप फ्लॉप को। हमारा फ्लिप फ्लॉप में तभी ट्रिगरिंग आएगी जब जीरो से वन पे हमारे क्लॉक प्रोड्यूस होगी, या इन क्लॉक से हमारा कंट्रोल इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और फ्लिप फ्लॉप में तभी चेंजेस आएंगे, क्योंकि हम इस क्लॉक की लेवल को भी ट्रिगरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एज को भी ट्रिगरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं ट्रिगरिंग करने के लिए। और ये मेथड है लेवल ट्रिगरिंग का, इसमें लेवल पे ट्रिगरिंग की जाती है, यानी अगर हमारी जो क्लॉक है वो हाई रहनी चाहिए पर्टिकुलर लेवल पे, तभी हमारे फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, ट्रिगर होगा। इसके अलावा दूसरी ट्रिगरिंग है एज ट्रिगरिंग। जो एज ट्रिगरिंग होती है वो भी हमारी टू टाइप्स की होती है। एज ट्रिगरिंग में जो हमारी फर्स्ट है वो है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मतलब कि हमारी जो क्लॉक होगी जब वो लो से हाई पे जाएगी इस पार्ट में, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यानी कि फिर इस पार्ट में और इस पार्ट में, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग जब वो लो से हाई की तरफ जाएगी उस, यानी कि इतने पार्ट में, जब हम इस पार्ट में उसको ट्रिगर करते हैं उसको लेवल ट्रिगरिंग बोलते हैं, जब वो हाई रहती है क्लॉक, और ये है हमारी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। नेक्स्ट वन होती है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग जब क्लॉक पल्स हाई से लो होती है इस टाइम पे, इसको बोलेंगे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये हम यानी थ्री टाइप से हम इसे क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। क्लॉक के डिफरेंट पार्ट्स का यूज करते हैं हम ट्रिगर करने के लिए, लेवल और पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, ये होती हैं इसके ट्रिगरिंग मेथड्स। इसके बारे में हम आगे जरूर डिस्कशन करेंगे, और ये है हमारा ट्रिगरिंग मेथड ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।